आज हम बनाने वाले पनीर से भी बढ़िया डिलीशियस ये रेसिपी है। एक बार अगर आपने इसे खा लिया फ्रेंड, गारंटी है आप पनीर खाना भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। तो यहाँ देखिए, हमने रेसिपी बनाने के लिए लिया यहाँ पे बंडा, तो हमने एक बंडा लिया है। आप लोग इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इस सब्जी को आप क्या बोलते हैं। हमारे तरफ तो इसे बंडा बोला जाता है। तो हमने बंडा को धो कर अच्छे से छील लिया है इसे। अब इसके बाद हमें इसे दो टुकड़ा में इस तरह से काटना है। तो आप देख रहे हैं छीलने के बाद में कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, बहुत ही बढ़िया ये बंडा है। तो इसकी रेसिपी एक बार हमारे तरीके से बना कर देखिएगा, आप पनीर खाना भूल जाएंगे, गारंटी है मेरी। बहुत ही डिलीशियस ये सब्ज़ी बनता है। तो यहाँ देखिए, इस तरह से हमें छोटे छोटे टुकड़े में बंडा को काट लेना है पहले, और इसे एक छन्नी में रख लेना है, और एक बार फिर से इसे हमें धो लेना है काटने के बाद, तब तक इसका पानी निकल जाएगा। और हम रख दिए गैस पर कढ़ाई। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो इस रेसिपी को फ्रेंड आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा। तेल को हमने अच्छे से पका लिया था, उसके बाद हमने बंडा को डाल दिया इसमें, और बंडा को सुनहरा होने तक हमें इसे फ्राई करना है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है ताकि बंडा जो है हमारा अच्छे से पक जाए, अंदर तक ये अच्छे से पक जाएगा और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगेगा। तो इस तरह से हमें ढक के इसे अच्छे से फ्राई करना है, बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। हमने इसमें फ्रेंड थोड़ा सा नमक भी डाला है, ये वीडियो थोड़ा कट गया है, तो हमने इसमें थोड़ा नमक भी डाला है बंडा को अच्छे से पकाने के लिए अंदर तक। इसे देखिए हमने पका लिया, ये सुनहरा रंग का एकदम अच्छे से पक गया है, और ये मतलब 90% तक पक गया है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं नमक है, लेकिन आज हम बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बना रहे हैं जिसे आप हमारे तरह से ज़रूर बनाइएगा। आप पनीर खाना भूल जाएंगे, पनीर से ही लाजवाब रेसिपी ये बन के तैयार होता है। तो यहाँ देखिए, हमने एक प्याज लिया है, उसको बारीक बारीक काट लिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा साबुत मसाला लिया है, दालचीनी लिया है, और यहाँ पे लिया है जावित्री, लौंग लिया है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची लिया है, काली मिर्च लिया है, और तेज पत्ता लिया है, और तो हमने साबुत लाल मिर्च डाल दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा हमने हींग ले लिया है। तो हमने साबुत मसाले थोड़े डाल दिए। अब हमने यहाँ पे लिया है दो छोटे साइज़ का प्याज, इसका हमने पीस लिया है, प्योरी बना लिया है मतलब कि। तो हमने दो तरह से प्याज डाला है, देखिए थोड़ा काट के डाला है और थोड़ा पीस के प्याज डाला है हमने। तो इससे बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बन के तैयार होगा। तो प्याज को हमें बढ़िया सा सुनहरा होने तक भूनना है पहले। तो प्याज को हमने थोड़ा भून लिया। अब इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो ये हमारा घर का बना हुआ ही है अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, इसे डाल के हमें अच्छे से भूनना है 3 से 4 मिनट तक। तो यहाँ देखिए ये हमारा अदरक लहसुन प्याज अच्छे से ये भुन गया है। अब इसके बाद हम मसाला ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ डालेंगे हल्दी पाउडर, हमने एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है, धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, और इसमें हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। तो मिर्च आप अपने हिसाब से फ्रेंड डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा भी आप मिर्च पसंद करते हैं। मसाला में थोड़ा सा पानी डाल के हमें मसाले को अच्छे से भुनना है, जब तक इसमें से तेल रिलीज ना होने लगे, मतलब मसाले में से तेल जब तक छोड़ ना दे तब तक हमें इसे भुनना है। अब हमने यहाँ पर ले लिया 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आएगा। तो इसे डाल के भी हमें अच्छे से भून लेना है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, तो टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। नमक हमने थोड़ा सा पहले भी डाला है बंडा में, तो इसलिए हमें टेस्ट के अनुसार नमक लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे डाला है चाट मसाला। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने टमाटर का यूज़ नहीं किया है, हमने चाट मसाला डाला है 1 चम्मच। तो इससे बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी बन के तैयार होगा, आपको यकीन नहीं आएगा। टमाटर डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही चटपटा और स्पाइसी रेसिपी ये लगता है खाने में। अब हम इसके बाद मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, अब हमने बंडा जो फ्राई करके रखा है इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें बंडे को सब्जी को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो हमने 1 गिलास पानी लिया है, पानी डालेंगे। आपको कितना ग्रेवी रखना है आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग बहुत पतला ग्रेवी पसंद करते हैं, बहुत से लोग गाढ़ा ग्रेवी, तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी यहाँ पे रख सकते हैं। बस इसे हमें ढक के पका लेना है 5 मिनट तक। तो फ्रेंड हमने इसे ढक दिया। वाह, देखिए 5 मिनट बाद ही इसमें से तेल रिलीज़ हो गया और ये कितना बढ़िया देखने में लग रहा है। बस हम लास्ट में डालेंगे गरम मसाला, आपके पास
धनिया पत्ती हो तो ऊपर से धनिया पत्ती डाल दीजिए। ये डिलीशियस रेसिपी बन के तैयार है। आप इसे रोटी पराठा किसी के साथ भी खाइए फ्रेंड, बहुत ही डिलीशियस लगता है, और चावल के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो फ्रेंड आपको उम्मीद है हमारी ये रेसिपी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो ज़रा सा भी रेसिपी, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना न भूले, और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, यकीन नहीं आएगा। आप पनीर खाना भूल जाएंगे फ्रेंड, हम बार बार इसलिए करें कि एक बार आप जरूर इसे बनाइएगा। तो हम आपको इसे सर्व करके दिखा रहे हैं। तो देखिए, आप ऊपर से धनिया पत्ती डाल सकते हैं, और ऊपर से कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको तड़का अलग से लगाने का। बहुत से लोग वीडियो बनाने के चक्कर में तड़का लगाते हैं, लेकिन आप ऐसे ही बना के खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको खाने में। तो मिलते हैं फ्रेंड।